हेलो, वेलकम बैक टू आर चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू बिग अपडेट के बारे में, नर्सिंग ऑफिसर्स के रिगार्डिंग के लिए। क्या अपडेट निकल के आया है, क्या नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी रहने वाला है, कहाँ का वैकेंसी रहने वाला है, कितने इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या अदर स्टेट वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ें समझ में आ जाए। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आपको स्क्रीन पर हमारा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का चैनल दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इंडिया की कोई से भी वैकेंसी रिलेटेड अपडेट पाने के लिए या नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे अपडेट को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि RMLA हॉस्पिटल का वैकेंसी निकल के आया है लखनऊ की तरफ से, तो उसमें पोस्ट कितना देखने को मिलेगा, तो उसमें जो पोस्ट है आपको देखने को मिलेगा 431 पोस्ट देखने को मिलेगा। वही बात किया जाए तो यदि UR कैटेगरी के लिए 193 पोस्ट देखने को मिलेगा, SC के लिए 79 पोस्ट देखने को मिलेगा, OBC के लिए आपको 121 पोस्ट देखने को मिलेगा, और AWS का बात किया जाए तो 29 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी वैकेंसी, काफ़ी बड़ा वैकेंसी है, कोई 80-20 का रेशियो इसमें नहीं रख के रखा है, कंप्लीट सेंटर लाइफ का वैकेंसी रहने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट हम आपको बताएं कि इसमें नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा है, आपके पास JNM BSc PBBSc है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो लिखा है यदि JNM कैंडिडेट है, ओनली JNM कैंडिडेट को ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, ताकि किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यदि आप JNM कैंडिडेट हैं, यदि आपने टू ईयर्स तक वर्क किया है और मिनिमम से मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए वर्क किया है, तो बिल्कुल आप अप्लाई करिएगा। इसलिए तो आपसे बोला जाता है यदि आप JNM कैंडिडेट हो, किसी ऐसे हॉस्पिटल में काम करिए जहाँ पे आपको कम से कम 100 बेड से प्लस हॉस्पिटल रहता है, उसमें काम करिए, किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में काम करके अपना फ्यूचर ख़राब नहीं करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन फ़ीस आपको, यदि UR OBC और EWS कैंडिडेट है तो आपको 1180 रुपये देना पड़ेगा विथ GST इंक्लूडिंग है, ठीक है। और यदि आप SC और ST कैंडिडेट है तो आपको 708 रुपये पे करना होगा, ठीक है। देन बात करें हम एज क्राइटेरिया का, तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने देखे रखा है कि एज क्राइटेरिया आप देख पा रहे होंगे 18 से लेके तो 40 साल तक के लिए है, और सैलरी अनाउंस देखे रखा तो करीबन आपको 50,000 से ऊपर आपका सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज की बात कर ली जाए तो एज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बट इन UP कैंडिडेट जिनके पास UP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उन्हीं को यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात हो हमारी एज रिलेटेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग का क्या चीज़ें रहने वाली है। अब नेक्स्ट बात करें कि आपको नर्सिंग का क्या सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो नर्सिंग का आपसे सिलेबस पूछा जाएगा उसमें GK पूछा जाएगा, मतलब जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज आपसे उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग ही पूछा जाने वाला है। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और आपसे 60 नंबर का नर्सिंग रिलेटेड पूछा जाएगा। नर्सिंग में आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बात करें नर्सिंग में आपके पास OBG देखने को मिलेगा, देन PDIA मिलेगा, देन FON जरूर पढ़ के जाना, कौन काफ़ी आपके लिए रहने वाला है। देन बात करते हैं तो इसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी आपको पूछा जाएगा, सोशियोलॉजी भी पूछा जाएगा, नर्सिंग रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। तो ये था वैकेंसी के रिगार्डिंग कि क्या अपडेट रहने वाला। अब चलिए बात करते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आपको हम दिखा देते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपको। विद प्रूफ के साथ हम हर एक वैकेंसी का अपडेट देते हैं इसी माध्यम से, ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे हो सीधी भर्ती है, कहाँ का लखनऊ का वैकेंसी है, CBT की बेसिस पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी क्या बोलते हैं, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि कब से इसके फॉर्म फिल होंगे, बट आपके फॉर्म फिल जल्दी ही हो जाएंगे, और यदि फॉर्म फिल होंगे तो उसको आपको 1 मंथ का टाइम देके रखेगा। ये वैकेंसी का यहाँ पे डिटेल्स देके रखा कि बीच वो वैकेंसी, तो आपको सिस्टर ग्रेड का 2 वैकेंसी दिखाई दे रहा हो, जैसा हमने बात किया कि कितना कितना सीट्स आपको वैकेंसी में दिखाई दे रहा है, तो ये आप सीट यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये हमारा वैकेंसी रहने वाला है, तो ठीक है, हमने वैकेंसी रिगार्डिंग कंप्लीट किया। ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल या मेडिकोलॉजी नर्सिंग के जो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है जहाँ पे लाखों लोग जुड़े हैं उस पर आप देख सकते हो, ठीक है।
तो मिलते हैं कि ये था हमारा रिगार्डिंग की वैकेंसी रिलेटेड। यदि किसी को भी हम RML और नर्सिंग के में PBBSC नर्सिंग के लिए और जो अभी मध्य प्रदेश व्यापम की वैकेंसी के लिए फॉर्म निकले, यदि उनके लिए आपको फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से संपर्क कर सकता है। हम भी फॉर्म फिलअप करने की सर्विस अवेलेबल करते हैं, तो हम आपका फॉर्म घर बैठे फिल कर देंगे, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो चलिए बात करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। बहुत अच्छा वैकेंसी, आप इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो करिएगा। मेडिकोलॉजी के नाम से आपको देख जाएंगे, कम से कम 45,000 सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, चलते मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।